बात करते हैं इस वक्त शाम को लखनऊ में होगी गौ सेवा आयोग की पहली बैठक। अहम खबर इस वक्त समाचार प्लस से बोले हैं पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल, गाय के संरक्षण और संवर्धन को लेकर इस पर चर्चा भी होगी। प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हुए, निगम कर रहा है निगरानी, अखिलेश सरकार में गौरक्षा फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है ये उन्होंने कहा, और 86% फंड अपना यादव के एनजीओ को दिया गया है, यानी कि एक तरफ उन्होंने घपलेबाजी की तरफ इशारा भी किया है। लेकिन आज जो अहम मीटिंग है उसमें क्या कुछ चर्चा होगी, जाहिर तौर पर गौ रक्षा को लेकर के भी कुछ स्टेप हो सकते हैं, लेकिन फंड किस तरीके से खर्च किया जाए इसको लेकर भी चर्चा होगी। गौ रक्षा हमेशा से बीजेपी के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल साहब, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बघेल साहब, गौ सेवा आयोग की बैठक क्या एजेंडा और क्या कुछ निकल के सामने आए? उसमें हमारे प्रमुख सचिव पशुपालन रहेंगे, डायरेक्टर पशुपालन रहेंगे, विशेष सचिव रहेंगे और चेयरमैन और सब और मैं रहूंगे। तो आज विचार विमर्श करेंगे कि आयोग को कैसे मजबूत किया जाए, आयोग के संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं, गौ संवर्धन और संरक्षण में किस प्रकार से काम किया जाए। सरकार की तरफ से गौ रक्षा, गाय की सेवा करने के लिए फंड जारी किया जाता है एनजीओ को। इससे पहले जो आपकी सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें यह आया कि जितना भी फंड जारी किया गया उसका 86% जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति को जारी किया गया जो कि मुख्यमंत्री के परिवार से संबंध रखते थे। तो क्या इस तरह के नियमों में कुछ बदलाव होगा, कोई कार्रवाई होगी? उस गौशाला से अच्छी भी गौशालाएं बहुत सी यूपी में हो रही होंगी। दूसरा यह है कि इससे ज्यादा आवश्यकता भी होगी, कुछ लोग चंदा करके और भीख मांग के और सामाजिक सहयोग से अपने संसाधनों से बिना सरकार से पैसा लिए तमाम प्रकार चला रहे हैं, उनको ज्यादा आवश्यकता थी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बघेल साहब का साफ साफ कहना है कि गौ सेवा आयोग गौ रक्षा गौ संवर्धन के लिए काम करेगी, जहां तक अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान एक ही एनजीओ को ज्यादा फंड देने का मामला है उसको वो गलत बता रहे हैं। और इसे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।